इटावा के जसवंत नगर थाना पुलिस और एसओजी के चेकिंग के दौरान चार जनपद इटावा जसवंत नगर थाना पुलिस और एसओजी के चेकिंग के दौरान चार अंतर जनपद ये वाहन चोरी किए गए, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार वाहन चोरों के पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल समेत अवैध असलाहा बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के कई थानों में विभिन्न मामलों के दर्जनों में मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर जसवंत नगर रन बहादुर सिंह, उप निरीक्षक कपिल चौधरी, नागेंद्र सिंह और इनकी टीम और एसओजी प्रभारी रमेश सिंह और उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान सिरहौल पुल बम्बा से किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कपिल देव सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। एसएसपी से गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। अधीक्षक महोदय द्वारा जो जनपद के वाहन चोरी के संबंधित केसेज हैं उनके अनावरण और रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी में एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा जसवंत नगर पुलिस के साथ मिल करके इनको कुछ इनपुट मिला था। सिरहौल पुल वाला जो बम्बा है वहाँ पर इन लोगों ने चेकिंग प्रारंभ की, तो 2 मोटरसाइकिल 3 लोग आते हुए इन्हें मिले। उनको जब रोका गया तो वो भागने का प्रयास किए मोटरसाइकिल छोड़ करके, उन्हें पकड़ा गया। फिर उनसे जब पूछताछ हुई तो उनके पास से 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें से 4 कनेक्ट हो गई हैं जो विभिन्न मुकदमों में हैं। 4 को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके चेसिस नंबर वगैरह प्राप्त हो गए हैं। इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचा मिला है 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस के साथ। इनमें से जो इनके द्वारा ये जो चोरी की घटनाएं हैं ये अपने इटावा जनपद और फिरोजाबाद जनपद में की जाती रही हैं और इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। ये जो अभियुक्त है धीरज, इसके विरुद्ध 7 मुकदमे हैं चोरी के हैं, बरामदगी हुई हैं। इसी तरह पंकज है, इसके विरुद्ध 8 मुकदमे हैं, वो भी चोरी के हैं, बरामदगी के हैं। सुखपाल सिंह है, इसके विरुद्ध 11 मुकदमे हैं चोरी के हैं, बरामदगी के हैं। एक इनमें से इनका साथी है जो फरार हो गया है, राहुल नाम का व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकरण में अभी और बहुत से तथ्य पूछताछ में सामने आए हैं और ढेर सारे हमारे पास इनपुट्स आए हैं जिस पे एसओजी और सर्विलांस टीम काम कर रही है। इसमें हम लोग शीघ्र ही अन्य कई मोटरसाइकिलों की बरामदगी और केसों का अनावरण कर पाएंगे। जो प्रगति होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। क्या ये आपराधिक पहले भी मामले थे या पहले भी कभी मोटरसाइकिल इस तरह चोरी कर गैंग चलाते रहे? हाँ, ये पूछताछ में आया है और इनका जो मुकदमे हैं वो आप देख सकते हैं अभी स्वयं की, ये काफ़ी पहले से है और काफ़ी मुकदमे हैं एक एक अभियुक्त।